विथ कार्बन डाइऑक्साइड जनरली ड्राई आइस एम्प्लॉय किया जाता है, ड्राई आइस यहाँ पे की CO2 जो है वो कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होती है। अभी तक क्योंकि मैं आपको लेके बता रही हूँ कि हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट बनने वाला है, बट मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। अगर आप लिग्नार्ड्स रिएजेंट की केमिस्ट्री को जानते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल और इसके ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। कार्बोनिक ग्रुप कार्बोनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए, डेल्टा नेगेटिव, दिस इज
इन जनरल पूरी की पूरी विगार्ड्स में ही केमिस्ट्री होती है, बल्कि आपको बताया जाता है कि कार्बोनिक कंपाउंड्स के साथ आप कैमिकल्स ऑफ अल्कोहल्स बना सकते हैं। अगर फॉर्मेल्डिहाइड से चलिए तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कोई और एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर कीटोन लीजिए विगार्ड एजेंट के साथ तो वहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल बनता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म है हर जगह के सिग्नल से आप जाता है और स्टेप अप कर जाती है सीरीज। इसमें स्टेप अप करने के लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल
इस्तेमाल होता है, दैट इज डाई एज अ मीथेन, डाई एज अ मीथेन। तो देखिए एक आदमी का सिग्मा है ना, ये एक आदमी को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस
एलिमेंट के ऊपर था। और एक और रिएक्शन जहां पे मैंने आपको बताया कि
करता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम कार्बोनेट इज द बी एसिड। बल्कि मैंने बताया कि फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, इट इज ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड विच गिव दिस रिएक्शन। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इट इज अ डी कार्बोक्सिलेशन अमोनियम कार्बोक्सिलेट को सिंपली आप हीट कर दीजिए, इफ यू हीट अमोनियम कार्बोक्सिलेट देन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट मींस द वाटर मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग एंड गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस। एसिड्स को हम एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग द एसिड्स इनटू एसिड डेरिवेटिव्स। एक डेरिवेटिव बना लिया हमने, सबसे पहला एल्केन बनाया, बैकवर्ड रिएक्शन है। नाइट्राइल से हमने एसिड बनाया था, ये हम एसिड से नाइट्राइल ले जाते हैं।
कौन सी कर दिया है, ये आशा का नाम कौन सी कर दिया फ्री राइटर में आंसर के लिए फ्री राइटर फ्री राइटर के लिए एकेडमिक में है आप से इसलिए और जब हमने कार्बन के कंपाउंड्स बैक स्टार्ट किया था उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आपको अगर अपने प्रीवियस मॉडल से याद हो कि कैल्शियम सॉल्ट्स अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के उनका ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए तो कीटोन्स ऑब्टेन होते हैं। कैल्शियम सॉल्ट्स इसी कंडीशन में भी होता है रिएक्शन और बेसिक कंडीशन में भी होता है। इन केसेस में रिएक्शन
Yeah.
विंटर लीवर का मैकेनिज्म। सबसे पहले तो फास्फोरस और ब्रोमीन के बीच में रिएक्शन, इसके बीच में रिएक्शन एंटा हैलाइड बनाई जाएगी। Bye.
मिल जाएगा। पाइबान ऐसे है नीचे, तो ये ब्रोमीन का जो बॉन्ड है इसको पोलराइज कर देता है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ना, और जब ये न्यूट्रलाइज करेगा इसको पोलराइज करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करने से इसके पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, वो सीधा इसके पास आ रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता होता है और इस पर नेगेटिव, और पहले जाके ये जुड़ता है प्लस, जो भी इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ता है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये जो रिएक्शन हुआ है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ फेनॉल, जो पार्टिकल्स की केमिस्ट्री यहाँ पे मतलब पढ़ाई जाती है, इसलिए तो इतना कुछ पढ़ाया जाता है, मतलब बेसिक्स तो नहीं आपका एम ए हो सकता ना, बहुत आप पढ़ते हैं जो भी फैक्ट्स हैं उनको याद करने की बातें करते हैं दिमाग से निकल जाती है, अगर आपने उसको कॉन्सेप्ट समझा है from Cal-
कार्बोक्सिलिक एसिड्स यू कैन प्रिपेयर प्राइमरी अमीन यूजिंग हाइड्राजोइक एसिड. हाइड्राजोइक एसिड Thank you.